हेलो दोस्तों, ये आप यूपीएस देख रहे होगे। ये की पावर के ब्रांड एक यूपीएस है मेरे पास आया हुआ, और इसका प्रॉब्लम है, देखिए किस तरह से ये जल गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो चार्जर कार्ड जो है हमारा, ये जल गया है। 48 वोल्ट का चार्जर कार्ड है। तो चलिए इसको हम खोल के एक बारी रिपेयर करते हैं। हम खोल लेते हैं, इसको करेक्ट निकाल लेते हैं। टाइट है ये। देखिए इस कार्ड को मैंने खोल लिया, देखिए किस तरह से काला काला हो गया जल के। ठीक है, चलिए आइए इस जला हुआ सारे सामान को निकाल लेते हैं। अब इसमें हम सारी चीज़ को चेक कर लेंगे एक बारी। ठीक है, हम मीटर को रख देंगे पहले क्वांटिटी में। ठीक है, पहले हम इसको क्वांटिटी में रख के पहले फ्यूज चेक कर लेंगे। फ्यूज चेक कर लिया हमने, देखिए ये शॉर्ट है, बीप कर रहा है, आप सुन सकते हैं ये शॉर्ट है। इसी तरह हम इस कैप्सूल को भी निकाल के चेक कर लेंगे। ठीक है, कैसे निकल गया, इसको हम साफ कर लेते थोड़ा। इसको इस मीटर से चेक करेंगे। इस मीटर में हमारे कैपेसिटेंस रेंज है, देखिए ये हमारा जो है 1 माइक्रोफैड का है, 275 वोल्ट का है। इसको हम चेक कर लेंगे, देखिए कैपेसिटेंस रेंज में है ये नैनो फैराड में। देखिए 0.975 दिखा रहा है, इसका मतलब ये 1 माइक्रोफैराड है। चलो कोई बात नहीं, ये ठीक है हमारा। इसको जैसे कहते हैं हाल देंगे इसको। ठीक है, इसको हाल दिया, हाल दिया। उसके बाद हम सिंपली इसको ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा मॉप पूरा था, कैप्सूल उड़ रहा था, इधर का कैप्सूल उड़ रहा था, इसीलिए हमको ये भी डॉट था, ये हमारा ठीक है कॉइल। उसके बाद ये कैप्सूल भी ठीक है हमारा। उसके बाद हम इस पार में आते हैं जो हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको डायोड मीटर को डायोड रेंज में कर लेना है। उसके बाद देखिए 0.4 आ रहा है, उसके बाद इस साइड में लगाएंगे 0.5 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद 0.4 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा रेक्टिफायर भी ठीक है। ठीक है, रेक्टिफायर भी ठीक है। अब उसके बाद हमको डॉट किसको चेक कर लेना है, सिर्फ एक ये इधर वाला डायोड को चेक कर लेना है, और ये दोनों मॉस्फेट को चेक कर लेना है। ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं। ये मॉस्फेट का वैल्यू हमारा ठीक दे रहा है, दिखा रहा है मॉस्फेट का वैल्यू ठीक दिखा रहा है। अब इसको हम किलो में भी चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। इसको 23 किलो में दिखा रहा है। ठीक है, ये 23 किलो में दिखा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा मॉस्फेट भी ठीक है। अब एक डायोड रह गया इधर का, डायोड को भी चेक कर लेंगे, मीटर को देंगे डायोड में। देखिए
ये डाइट भी हमारा ठीक है। ओके, इसका मतलब हमारा सारा सारा कुछ ठीक लग रहा है। ठीक है, उसके बाद इधर हमारा ये मॉप था, इधर इसको हम इधर मॉप डाल देंगे। ये हमने मॉप ले लिया एक, ठीक है, इसमें मॉप है। मॉप डाल दिए, उसके बाद इसमें एक कैप्सूलेट लगा होता है एसी के लिए, उसको हम डाल लेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारा पास ये थोड़ा उससे इधर जो लगा था वो कहाँ फेंक दिया मैंने, कोई बात नहीं, जो इधर लगा था इससे थोड़ा ज़्यादा है, इससे थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं, इससे बड़ा है ना, देखिए इससे बड़ा है, ये इसमें नहीं छिड़ेगा। ठीक है, इसमें ये नहीं जाएगा, आप देख सकते हो इसमें नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसको तार से भी लगा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसको हम तार से जोड़ लेते हैं। ऐसे जोड़ लेना है, ठीक है, उसके बाद इसमें हम लगा देंगे। हमारा ढो गया, ठीक है, उसके बाद उस साइड से हम सोल्डिंग लगा देंगे। उसको अच्छे तरह से सोल्डिंग हमने मार दिया। ठीक है, अब इस ये तो हल रहा है, ये हमारा हल लरंग मरंग हो रहा है, ये हल रहा है, इसको हम इसमें एक जगह फिक्स कर देंगे। ठीक है, हम इसी के ऊपर में ऐसे करके, इसी के ऊपर में ऐसे करके हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, देखिए इसको हम ग्लू गन से हम थोड़ा इसको चिपका दिए। ठीक है, अब ये हमारा नहीं हल रहा है। ठीक है, अब हमारा सब हो गया, अब चलिए आइए इसको हम टेस्ट करते हैं। अब इसको हम इनपुट देंगे, ये हमारा हो गया इनपुट तार, इसको फेज न्यूट्रल दे दिया। ठीक है, बताऊँ मैं आप लोगों को, मीटर कर लेंगे एसी को पहले। ठीक है, इधर हमारा वोल्टेज कितना है, 2 से 20। ओके, उसके बाद डीसी कर लेंगे। ठीक है, अब इधर हम डीसी वोल्टेज चेक करेंगे कितना बन गया, 55। ये 48 का चार्जर कार्ड है, 55 हमारा बन गया, इसका मतलब ठीक है। ठीक है, अब एक पंखा भी इधर हम देख के दे लेते, देखिए एक मैंने पंखा ले लिया हो। ठीक है, पंखा एक को हम टेस्ट करके देख लेते हैं, इसके बाद इधर पंखा के साइड में इधर लगा देते हैं। देखिए पंखा तो नहीं चला, ठीक है, पंखा क्यों नहीं चला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस चार्जर कार्ड में सिस्टम क्या है कि जब लोड पड़ेगा ना चार्जर कार्ड में, तब ये पंखा चलने शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि डिस्चार्ज होने लगेगा तब ये पंखा चलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि देखिए इसमें मैं ये 6 वाट का इसमें लोड देता हूँ, देखिए 6 वाट का लोड दिया, ये चलना शुरू हो गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे ये बल्ब भी बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारा चार्जर कार्ड ओके है। तो चलिए आइए इस चार्जर कार्ड को अब सारे कनेक्शन छुटा के हम मेन बोर्ड में यूपीएस में फिट करेंगे। इतना ही है बस, ये हमारा कनेक्शन हो गया। तो चलिए आइए हम इसको आप देते हैं लाइन। देखिए हमारा इनपुट प्लग है, इसको ऑफ कर लेते हैं, दे दिया मैंने, देखिए
दे दिया, हमारा डिस्प्ले आ गया। ठीक है, इसको हम ऑन करते हैं, ये हमारा ऑन बटन है, ये ऑन करते हैं। देखिए हमारा ऑन हो गया। ठीक है, ऑन हो गया, इन्वर्टर ऑन गया हो गया। ठीक है, आप अब मैं आपको चार्जिंग भी एम्पियर दिखा देता हूँ। देखिए इसमें मैंने बैटरी के सारे बैटरी का मैंने एक जिग बना लिया है। ठीक है, ये देखिए इसका जो है ये प्लस और माइनस, ये मैंने माइनस में दे दिया हो। ठीक है, ये हमको 48 में दे दिया हो। ठीक है, ये अपना मैं जिग बना लिया। उसके बाद ये हो गया हमारा इनपुट, मैं इनपुट दे दिया। ठीक है, उसके बाद इसको ऑन कर देता हूँ, ऑन कर दिया। देखिए डिस्प्ले आ गया। ठीक है, डिस्प्ले आ गया। उसके बाद हम बैटरी दे देते हैं, ये हमारा बैटरी एमसीबी है। ठीक है, बैटरी एमसीबी दे दिया, बैटरी को दे दिया। ठीक है, बैटरी को दे दिया। देखिए हमारा बैटरी चार्ज करने लगा। ठीक है, चार्ज करने लगा, इसको हम ऑन कर देते हैं। ये ऑन हो गया हमारा। ठीक है, देखिए हमारा ऑन हो गया, चार्ज करने लगा, माथी ऊपर ऊपर जा रहा है। ठीक है, एम्पियर भी मैं चेक करा देता हूँ। देखिए इसका जो एम्पियर है, देखिए 3 एम्पियर है समथिंग। ठीक है, ओके है। जैसे कि हम लोड भी ऑन कर देते हैं, इसका लोड लोड ऑन हो गया। ठीक है, देखिए लोड ऑन हो गया, लोड ऑन हो गया। जैसे कि हम इस पर इनपुट काटेंगे, निभाएंगे, देखिए चल रहा है, ये आउटपुट से चल रहा है। देखिए ठीक है, जैसे कि फिर लाइन देंगे, दे दिया, चार्जिंग होनी शुरू हो गया। ठीक है, दोस्तों इसी तरह आप लोगों को वीडियो में बनाता रहूँगा, लेकिन आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो साथी लोग। अब आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करिए। ठीक है, इसी तरह हम अच्छे से वीडियो बनाते रहूँगा, लाते रहूँगा। धन्यवाद।